प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख राजवंश, राजधानी और उनके संस्थापक। सबसे पहले दोस्तों, हर एक वंश के संस्थापक बिम्बिसार, राजधानी थी राजगृह पाटलिपुत्र। अगले शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, राजधानी थी वैशाली। नंद वंश का संस्थापक महापरमानंद, पाटलिपुत्र राजधानी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, राजधानी थी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश का संस्थापक था शिशुमुख और राजधानी थी प्रतिष्ठान। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। पुष्यमित्र वंश का संस्थापक नरवर्धन, थानेश्वर कन्नौन। पल्लव वंश बर्मन चतुर्थ, राजधानी कांचीपुरम। चाणक्य वंश जैसे हैं कल्याणी, राजधानी। राजकूट वंश का संस्थापक दतिदुंद, राजधानी थी मण्यखेत। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल और राजधानी थी मुंगेर। गुलजार या प्रतिहार वंश का संस्थापक नांग भट्ट प्रथम, राजधानी मालवा। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन, राजधानी नदिया। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर। चंदेल वंश का संस्थापक नानक, राजधानी खजुराहो। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज, राजधानी धरानगरी। चोल वंश का संस्थापक विजयालय और राजधानी तंजावुर। कलचुरी वंश का संस्थापक कोलल, राजधानी त्रिपुरी। सोलंकी वंश का मूलराज प्रथम और राजधानी अलीबाड़। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।